प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मूल अधिकारों को आगे लेते हैं। पिछले कालांश में मैंने पहले दो मूल अधिकार समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को करवाया। इसी के साथ मैंने निवारक निरोध की स्थिति के बारे में आपको स्पष्ट किया। आज हम तीसरे मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेंगे। इसमें अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 कहता है कि बेगार मानव व्यापार स्त्रियों का व्यापार का निषेध होगा, मानव अंगों का भी व्यापार नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें वर्णन है। जहाँ पर बेगार की मनाही की गई है, बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है, वहीं अगर बाढ़ ऐसी कोई स्थिति के दृष्टिगत, आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत, सार्वजनिक आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य लिया जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बेगार का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के श्रम का खतरनाक स्थानों पर निषेध किया गया है। अभी जो सरकार का प्रयास है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक स्कूल में जाएं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इस मूल अधिकारों के अंतर्गत खतरनाक स्थानों पर 14 वर्ष के से कम आयु के बालकों से काम नहीं करवाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आगामी जो चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को मानने न मानने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होगी। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 घोषित करता है कि धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 28 में व्यवस्था है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं और राजकीय अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा बाध्यकारी रूप से नहीं दी जा सकती। आगामी जो अनुच्छेद है, आगामी जो मूल अधिकार है, पांचवा मूल अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 व 30 है। अनुच्छेद 29 में प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 32 है जो वर्तमान में छठा मूल अधिकार है। ये संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार है और संविधान सभा में जो बहस हुई थी अथवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब प्रश्न पूछा जाता कि कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो अंबेडकर कहा करते थे कि अनुच्छेद 32 को अगर हटाया जाए तो संविधान महत्वहीन होकर रह जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 32 बड़ा महत्वपूर्ण है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के दृष्टिगत सर्वोच्च न्यायालय 5 लेख जारी करता है।
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 लेख जारी करता है। इनके हिंदी शब्द और अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी शब्द आपके सम्मुख हैं। ये वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं जो अन्य देशों में भी देखी जा सकती है, जहां पर सभ्य कानून की शासन प्रणाली है, इसमें प्रथम बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा परमादेश है, जब कोई अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसके कर्तव्य पालन करवाने के लिए न्यायालय परमादेश का लेख जारी करेगा। प्रतिषेध, जब कोई अधिकारी अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको रोकने का कार्य प्रतिषेध के लेख से जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख, जब किसी मामले का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व हो, ऊंचे स्तर पर महत्व हो, तो नीचे की अदालत से मामला उच्च स्तर पर भेजना उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत आता है। अधिकार पर्चा, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से पद धारण करता है तो उसको रोकने के लिए न्यायालय द्वारा अधिकार पर्चा का लेख जारी किया जाता है। ये अधिकार मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय को है, इन्हें राज्य उच्च न्यायालयों को भी जारी करने का अधिकार दिया गया है। न्याय की दृष्टि से मांग की जाती है कि इनको जिला स्तर पर भी जो अदालत है उनको ये लेख जारी करने का अधिकार हो, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था का स्तर जिला स्तर पर क्या बनाए रखा जा सकता है, इसके दृष्टिगत जिला स्तर पर ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इन अधिकारों का प्रयोग केवल राज्य उच्च न्यायालय के स्तर पर किया जाता है। ये भारत के मूल अधिकार हैं। आगामी कालांश में हम जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और मूल अधिकारों के संशोधन की स्थिति पर आगामी कालांश में लेंगे।